नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहाड़ों के नारायणबगड़ क्षेत्र में विक्टोरिया क्रॉस विजेता स्वर्गीय दरवान सिंह नेगी को याद किया गया। समिति ने प्रथम विश्व युद्ध से अब तक देश की सीमाओं में शहीदों को याद, शौर्य और उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए महोत्सव शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बार महोत्सव में क्या चीजें खास हुई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नारायणबगड़ क्षेत्र में खैतोली खाल में भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता स्वर्गीय दरवान सिंह नेगी को लोगों ने दिल से याद किया। दरवान सिंह नेगी को याद करते हुए शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। शौर्य महोत्सव के आगाज के साथ यहां मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर कर्नल हरेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम के शुरुआत में सभी अतिथियों ने वीसी दरवान सिंह नेगी के पैतृक निवास पर एकत्रित होकर उनके फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। नेगी के पैतृक निवास से मां भगवती के मंदिर परिसर तक मंत्रोच्चारण के साथ कफार तीर गाँव की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। महिला मंगल दल की अध्यक्ष बबीता देवी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई, जो लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर मुख्य आयोजन स्थल खैतोली खाल पहुंची। दूसरी तरफ वीसी दरवान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। पारंपरिक परिधानों में बच्चों ने लोक गीतों पर डांस किया। इसके अलावा द्वितीय शौर्य महोत्सव के अति विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने आयोजन समिति को 50,000 रुपए का चेक देकर सहयोग किया और कहा गया कि आने वाले समय में वीसी दरवान सिंह नेगी की शौर्य महोत्सव और भी भव्यता के साथ मनाया जाए।